Hello and welcome you all. Dear students, today's topic is Biot-Savart law. It is the topic from the subject EFT, Electromagnetic Field 3, unit number 2. इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लर्न किया है. जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू मेक अ लिस्ट ऑफ नोटेशंस जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज किया, सिमिलर नोटेशंस जो मैग्नेटोस्टैटिक्स में मतलब स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के केस में यूज करना है. सो वी हैव स्टडीड द नोटेशन ई बार. ई बार स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. करस्पॉन्डिंग नोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड इज एच बार. एच बार इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. देन वी हैव स्टडीड डी बार. डी बार इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. सिमिलर नोटेशन इन मैग्नेटिक फील्ड इज बी बार. बी बार इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. देन वी हैव द रिलेशन डी बार इज इप्सिलॉन जीरो ई बार. इप्सिलॉन जीरो इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मूला इन मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी बार इज इक्वल्स टू म्यू जीरो एच बार. म्यू जीरो इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय साई. ये हम लोगों ने गॉस लॉ में लर्न किया था. सिमिलर नोटेशन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई. अब देखो हम लोगों ने ये फॉर्मूला गॉस लॉ का लर्न किया था. साई इज क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी बार डॉट डी एस बार. सिमिलर इक्वेशन अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखना है तो आई कैन राइट द इक्वेशन लाइक दिस फाई, क्योंकि इससे रिलेटेड नोटेशन है फाई. Phi is equals to close surface integration of B bar dot ds bar. तो ये notations आप लोगों को याद रखना है. This is very simple trick which I have told you. तो ये corresponding notations LHS में जो लिखा है that are notations for electric field, RHS के जो है that are notations for magnetic field. Alright. Now the first derivation is derivation of Biot-Savart law. अब देखो हर एक इलेक्ट्रिक इसके पहले के वीडियोस में हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, पहले डायग्राम बनाया था एंड इन एवरी डायग्राम वी हैव कंसिडर्ड अ स्मॉल पॉइंट चार्ज. व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग द डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक चेंज याद रखना है. यू डोंट हैव टू कंसिडर अ पॉइंट चार्ज. आप लोगों को एक लेंथ कंसिडर करना है, मतलब स्मॉल लेंथ. सपोज एक फिलामेंट मैंने ड्रॉ किया है. दिस इज वन फिलामेंट. व्हाट इज अ फिलामेंट? फिलामेंट मींस पीस ऑफ वायर. एक वायर है तो इसको बोलते हैं फिलामेंट. टोटल लेंथ ऑफ फिलामेंट इज लेट अस से कैपिटल एल. इसका एक छोटा पोर्शन कंसिडर करेंगे. सो दिस लेंथ इज डी एल बार. सिंस इट इज डिफरेंशियल अ वेक्टर क्वांटिटी नोटेशन इज डी एल बार. So this is the filament. Filament means a particular piece of out of the total length and its differential length is denoted by dl bar where total length is l. A current dikhana hai hamesha. So this current is passing through this wire, that means through this filament current is I. A point consider kiya hai, point P, jaha pe hume magnetic field calculate karna hai. Ye jo current hai I that is flowing through the wire, because of which certain magnetic field will be produced. We have to calculate the magnetic field intensity due to the current flowing through this filament at point P. Distance of point P from the filament is R, so corresponding vector is R bar. Ab ye jo maine ek line draw kiya hai, I have drawn a line from dl bar to point P. Along this line I have shown a vector R bar. This line makes an angle theta with respect to filament. So this is about the diagram. अब देखो statement थोड़ा lengthy है लेकिन याद कैसे रखना है, make the thing simple. We know that H bar is notation for magnetic field intensity. If I will write d H bar, it is read like this, differential magnetic field intensity. So I have written three points. This differential magnetic field intensity dH bar is directly proportional to I, that is current, into dl. देखो डायग्राम में देख लो, dl bar एक नोटेशन है डिफरेंशियल लेंथ का. What you will be writing for dl? So dl is magnitude of differential length, because dl is magnitude of dl bar, I is the current. So ऐसे याद रख लो, dH bar is directly proportional to I
एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, और डीएच बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड डिफरेंशियल लेंथ. सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, डीएच बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर बार एंड डीएच बार. व्हाट इज आर बार? कैपिटल आर बार, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम डीएल बार टू पॉइंट पी. एंड थर्ड पॉइंट, डीएच बार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फिलामेंट. तो अगर स्टेटमेंट लिखना है तो हाउ विल यू बी राइटिंग द स्टेटमेंट? द डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंशियल लेंथ. देन इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल बार एंड पॉइंट पी. एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम डीएल बार. अब देखो, मैंने जैसे बताया, ये आप लोगों को स्टेटमेंट मगअप करने की जरूरत नहीं. इस पॉइंट से ही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वैसे ये स्टेटमेंट लिखना है. सो आई हैव रिटन द स्टेटमेंट, एट एनी पॉइंट पी द डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब डीएच बार, इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नीट्यूड कॉमा मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंशियल लेंथ, मतलब डीएल, डीएल बार डिफरेंशियल लेंथ है, उसका मैग्नीट्यूड है डीएल, एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन करंट एंड पॉइंट पी, मतलब साइन थीटा जो मैंने यहां पे लिखा है. सो इट इज साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल बार एंड द लाइन ज्वाइनिंग डीएल बार टू पॉइंट पी, दैट मीन्स आर बार. सो साइन ऑफ एंगल बिटवीन फिलामेंट एंड पॉइंट पी, व्हाइल इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फिलामेंट, बिकॉज वी हैव रिटन डीएच बार इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वेयर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर. तो ये तीन पॉइंट याद रखोगे तो यू कैन राइट द स्टेटमेंट ऑन योर ओन. अब इसका डेरिवेशन करते हैं, दिस इज द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. ये सब स्टेटमेंट मुझे कंबाइन करने हैं, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस. डीएच बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा. देखो ये टर्म और ये टर्म कंबाइन किया मैंने, डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, क्योंकि लास्ट टर्म थर्ड टर्म ऐसा है डीएच बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वेयर, तो ये मैंने ऐसे लिखा. अब मैथमेटिकली दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, आई कैन कन्वर्ट इट इनटू इक्वालिटी साइन बाय एडिंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के. सो के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डी एच बार. ये इक्वेशन मुझे और सिंप्लीफाई करना है. वैल्यू ऑफ के, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, इज 1/4 pi. So let us add this value in the equation of dH bar. So I will get dH bar is equals to 1/4 pi into IdL sin theta upon r square. तो ये जो denominator का term है 4 pi और दूसरे denominator में r square, you can well combine it. It's simple maths. So first I will write it like this, IdL sin theta upon 4 pi r square. अब recall the definition of cross product. अगर अपने पास दो vectors है a bar and b bar, then cross product is denoted by a bar cross b bar. It is given by ab sin theta and some direction an bar. Present if we are interested in these values. So A is magnitude of A bar, B is magnitude of B bar, theta is angle between A bar and B bar. Suppose I want to take the cross product of DL bar and AR bar. Question arises, what is this AR bar? Look at this diagram. Ye vector R bar hai. So iska jo, this is the vector R bar. We know that any vector, in this case R bar, we can write it in terms of magnitude and its direction. R bar ka magnitude hoga R, aur iska direction kaise likhte hai? A to the base R, magnitude ka jo notation hai wo base mein likhte hai. So it is AR bar. So AR bar is the direction
ऑफ वेक्टर आर बार. तो अगर मुझे ये क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस. जैसे यहां पे देखो, ए बार क्रॉस बी बार इज ए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, बी दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इनटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार. लाइकवाइज आई विल राइट इट लाइक दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल बार, बिकॉज इट इज लाइक ए मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, सो आई हैव रिटन मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल बार, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर बार इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल एज शोन इन दिस डायग्राम. अब मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल बार कैन बी रिटन एज डी एल. बहुत सिंपल है, अगर कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लिखना है. यहां पे देख लो, ए बार एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लिखना है. रिकॉल द रूल्स व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर. मैग्नीट्यूड मतलब ये वेक्टर के ऊपर जो बार है वो स्किप करना है. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज ए. लाइकवाइज मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल बार, ये साइन दिस साइन इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल बार इज डी एल. मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर बार, डू रिमेंबर व्हेन वी यूज द नोटेशन ए बार लाइक ए एक्स बार, ए वाई बार, ए जेड बार, व्हाटएवर वी हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर. यूनिट मीन्स वन. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर बार इज वन. सिंस इट्स मैग्नीट्यूड इज वन, आई एम स्कीपिंग दिस इन टू साइन थीटा एज इट इज. तो ये जो टर्म है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टर्म डी एल साइन थीटा, दिस टर्म कैन बी रिप्लेस्ड बाय डी एल बार क्रॉस ए आर बार, बिकॉज मोड ऑफ ए आर बार इज वन. तो ये वन हो जाएगा, तो सिर्फ इतना रहेगा डी एल इंटू साइन थीटा. यहां पे टर्म है डी एल इंटू साइन थीटा, विच आई विल बी रिप्लेसिंग इट बाय डी एल बार क्रॉस ए आर बार. देयरफॉर नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ डी एच बार यहां पे लिखता हूं मैं, डी एच बार कैन बी रिटन एज आई दिस टर्म एज इट इज डी एल बार क्रॉस ए आर बार. दिस टर्म डी एल साइन थीटा इज रिप्लेस्ड बाय डी एल बार क्रॉस ए आर बार अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज. दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बायट सॉवर्ट लॉ. इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज डोनेटेड बाय एच बार एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन ऑफ डी एल बार. सो इफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू बायट सॉवर्ट लॉ इज आस्क्ड, यू नीड टू राइट द स्टेटमेंट, देन ड्रॉ दिस डायग्राम एंड राइट द मैथमेटिकल इक्वेशन अप टू द इक्वेशन ऑफ डी एल बार. सो दिस इक्वेशन इज द बेसिक इक्वेशन विच वी हैव डिराइव्ड यूजिंग बायट सॉवर्ट लॉ. सो इफ यू जस्ट पुट दिस वैल्यू, आई मीन पुट द वैल्यू ऑफ डी एच बार ओवर हियर, दिस इज सिंपली रिटन एज आई डी एल बार क्रॉस ए आर बार अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. सिंस दिस इक्वेशन कंटेन्स इंटीग्रल साइन, इट इज कॉल्ड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ बायट सॉवर्ट लॉ. वी हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन ऑफ एच बार, बिफोर दैट वी हैव डिराइव्ड द एक्सप्रेशन ऑफ डी एच बार. डी एच बार इज डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. यूनिट ऑफ एच बार इज एम्पियर पर मीटर. सो डियर स्टूडेंट्स, that's it for today's session. So we have derived one important formula, important derivation of Baryard-Sawatt law. So thank you, thanks a lot for watching this video.